जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के स्कूल थप्पड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा सरकार की अंतरात्मा झंझोर जानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष समुदाय के स्कूली छात्र को उसके सहपाठी के एक शिक्षिका के आदेश पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा है कि ये घटना जिस प्रकार घटी उससे सरकार की अंतरात्मा झंझोर जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता गंभीरता से सवाल उठाए और उस शिक्षिका के छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहे जाने की कथित घटना की जांच निगरानी के लिए भारतीय पुलिस सेवा IPS के एक अधिकारी को तैनात करने का राज्य सरकार को आदेश दे दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है जिसमें संवेदनशील शिक्षा भी शामिल है। जिस तरीके से ये हुआ उससे राज्य की अंतरात्मा झंझोर जानी चाहिए। पीठ ने आगे कहा है कि एक छात्र को दी गई ये सजा सबसे खराब सर्वाधिक सजा हो सकती है। अदालत ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उन नियमों के अनुपालन में विफल पाया जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और धर्म और जाति के आधार पर उनके भेदभाव को रोकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, न्यायमूर्ति ओका ने कहा है कि हम हमेशा ये स्वतः संज्ञा ले सकते हैं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। पीठ ने सरकार की ये दाखिल खारिज कर दी है और तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह महात्मा गांधी के परपोते हैं। शीर्ष अदालत ने मुकदमा दर्ज करने में हुई लंबी देरी और तरीके पर भी गंभीर आपत्ति जताई है। सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल KM नटराज ने जब कहा कि सांप्रदायिक पहलू को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, इस पर पीठ ने उनसे पूछा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। शिक्षक ने बच्चों को उसके धर्म के कारण पीटने का आदेश दिया, ये कैसी शिक्षा दी जा रही है? पीठ ने नटराजन से कई सवाल करते हुए कहा है कि जांच की निगरानी वरिष्ठ IPS अधिकारी को करने दें, आरोप पत्र कब दाखिल किया जाएगा, गवाहों और बच्चों को क्या सुरक्षा दी जाएगी, हम जानना चाहते हैं, काउंसलिंग पेशेवर होनी चाहिए। दोस्तों पीठ ने कहा है कि पिता पीड़िता के छात्र ने एक बयान दिया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उन्हें धर्म के कारण पीटा गया। इस आरोप का मुकदमे में कोई उल्लंघन नहीं है। शीर्ष अदालत ने भी नोट किया है कि काफी समय बीतने के बाद 6 सितंबर 2023 को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और IPC की धारा 323 और 503 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य को इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना होगा कि वह RTI अधिनियम के तहत अपराध के पीड़ित को उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करेगी। इस अधिनियम में कहा गया है कि राज्य बच्चे से उस स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर की है।